18 साल के सिंगर अब्दू रोजिक का कद बेशक ऊंचा नहीं, लेकिन उनकी शौहरत सातवें आसमान पर पहुंच रही है। खास तौर पर भाईजान यानी सलमान खान की अब्दू पर नजर पड़ने के बाद। इस साल दुबई में आईफा अवार्ड्स के दौरान सलमान और अब्दू की पहली बार मुलाकात हुई। ताजिकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अब्दू को सलमान खान की फिल्म भाईजान में गैंगस्टर का रोल निभाने के लिए चुना गया है। बता दें कि सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल बदलकर भाईजान कर दिया गया है। भाईजान में सलमान खान की ओर से अब्दू रोजिक के अलावा शहनाज गिल, सिद्धार्थ निगम और राघव जुआल को भी चांस दिया जा रहा है। अब्दू को इस साल जून में यूएई के अबू धाबी में आईफा अवार्ड सेरेमनी में गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। वहां उन्होंने 1942 अ लव स्टोरी का गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सुनाया था। IndianExpress.com की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दू ने बताया कि जब सलमान खान से वो पहली बार मिले तो बहुत नर्वस थे। बचपन से ही सलमान खान की फिल्में देखते आ रहे अब्दू ने कहा कि सलमान जिस गर्म जोशी से उनसे मिले वो देखकर उन्हें सुखद हैरानी हुई। अब्दू का कहना है कि उन्हें बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद हैं, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इनमें काम करेंगे और वो भी सलमान खान के साथ। दुनिया के सबसे छोटे कद के सिंगर का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले अब्दू का कहना है कि आईफा अवार्ड्स के दौरान ही सलमान के साथ उनकी बॉन्डिंग गहरी हुई और उन्होंने फिल्म ऑफर की। अब्दू के मुताबिक वो फिल्म में गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं, छोटे भाईजान से बड़े भाईजान तक। अब्दू ने सलमान को अच्छे दिल वाला शानदार इंसान बताया। ताजिकिस्तान में मालियों के परिवार में जन्मे अब्दू रोजिक को उनके गानों के वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी मिली। अब्दू ने 6 साल की उम्र से ही ताजिक गाने गाना शुरू कर दिया था। अब्दू के सिंगिंग टैलेंट को पहली बार ताजिक ब्लॉगर रैपर बैरोन यानी बहरूज ने पहचाना। बैरोन ही अब्दू को अपने साथ दुबई ले गए। अब्दू अब दुबई में ही रहते हैं। पारंपरिक गानों के अलावा अब्दू हिंदी ना आने के बावजूद हिंदी गाने धड़ल्ले से गाते हैं। अब्दू के गाने एवलोड मीडिया नाम के यूट्यूब चैनल पर सुने जा सकते हैं। आईफा अवार्ड्स में शिरकत के बाद अब्दू इस साल भारत भी आए और शाहिद कपूर, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, क्रिकेटर विराट कोहली और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी से भी मिले। इंस्टाग्राम पर अब्दू रोजिक के 35 लाख फॉलोअर्स हैं। इंस्टा पर अब्दू रोजिक ने अपने प्रोफाइल में खुद को सिंगर, ब्लॉगर और बॉक्सर बता रखा है। प्रोफाइल पिक्चर अब्दू ने फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।